हेलो माय लवली किड्स, आई एम वेरी लवली. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन एंड ऑल ऑफ यू आर हैप्पी. आई एम राइट, ऑल ऑफ यू आर हैप्पी. वेरी नाइस. स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर जीके क्लास. सो एवरी स्टूडेंट टेक आउट योर जीके बुक and open page number 19. Take out your book, open page number 19. Beta, today we will do chapter number 14. Which chapter? Chapter 14. So take out this chapter. Very nice. Student, the chapter is Landmarks of the World. लैंडमार्क्स, वट इज द मीनिंग ऑफ लैंडमार्क्स? लैंडमार्क्स का हिंदी में मीनिंग होता है स्थल. यानी जैसे आपसे कोई पूछे, जैसे मैं आपसे आपके घर का एड्रेस पूछूं कि आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप मुझे बोलें कि मैम मैं वहाँ पर रहता हूँ, मैं पूछूँ कोई लैंडमार्क, उधर ना कि हम बता देते हैं कि हमारा कोई लैंडमार्क क्या है. लैंडमार्क है, लैंडमार्क्स आर थिंग्स दैट हेल्प यू आइडेंटिफाई वेयर यू आर. लैंडमार्क्स आर थिंग्स That help you identify where you are. यानी वो एक identify करता है आपको where you are, कि तुम कहाँ हो. ठीक है, जैसे मैं बोल दूँ कि मेरे घर की है ना, मेरा घर वहाँ पर है. लैंडमार्क्स आप पूछोगे मैम कोई लैंडमार्क है, या आप बिल्कुल वहाँ पर एक टेम्पल है, आप वहाँ से आ जाना. ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? लैंडमार्क्स ऑफ द वर्ल्ड, जो एक दुनिया है, वर्ल्ड यानी संसार, पूरे वर्ल्ड के लैंडमार्क्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे. देखिए, मैनी मार्वलस बिल्डिंग्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एट मैनी प्लेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड. मैनी मार्वलस यानी बहुत ही अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड यानी बनाई गई हैं, उनका निर्माण किया गया है एट मैनी प्लेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत सारे प्लेसेस में, बहुत सारी जगह में. ठीक है, यानी हर जगह कोई ना कोई फेमस, उन्होंने क्या किया है, फेमस बिल्डिंग बनाई है. वो सब क्या है? लैंडमार्क्स हैं. वो लैंडमार्क्स कैसे हैं? क्योंकि उनसे क्या है, लैंडमार्क्स विल ऑफन हैव अ साइन विद इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनिंग देयर इम्पोर्टेंस. यानी लैंडमार्क्स की कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट है, महत्व है कि वो वहां पर क्यों है, उस जगह पर क्यों बनाया गया है. क्लियर बेटा, वट इज द लैंडमार्क? लैंडमार्क क्या है? लैंडमार्क की अपनी एक वो है, महत्व है उसका, कि वो यहाँ पर क्यों बनाया गया है और कोई ना कोई उसकी इंफॉर्मेशन है. ठीक है, सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न. आपकी बुक में पिक्चर दी गई है, यू हैव टू आइडेंटिफाई देम, आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना है एंड राइट डाउन द नेम. सो बेटा, मैंने आपको बस ये बताया है आइडेंटिफाई करने के बाद कि लैंडमार्क का नेम क्या है और ये कहाँ पर है. ठीक है, वेन यू मूव टू द सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास, देन यू लर्न अबाउट लैंडमार्क्स वेरी नाइसली. जब आप बड़े क्लास में जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से इन लैंडमार्क्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, अब सिर्फ आपको याद रखना है कि लैंडमार्क्स को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, एंड ये कौन से कंट्री में है एंड कौन से सिटी में है, विच कंट्री एंड विच सिटी. ओके, कंट्री भी दिया गया है एज वेल मैंने सिटी भी दिया है. क्लियर बेटा, सी द फर्स्ट पिक्चर इज स्टैचू ऑफ यूनिटी. स्टैचू ऑफ यूनिटी स्पेल्ड आउट एवरीबॉडी, STATUE, स्टैचू, OF ऑफ UNITY, यूनिटी. यूनिटी यानी क्या है? एकता, यूनिटी. कहते हैं ना यूनिटी स्ट्रेंथ, एकता में बल है. तो स्टैचू का नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी. बेटा, इट इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू. ये दुनिया का टॉलेस्ट स्टैचू है. टॉलेस्ट यानी लंबा स्टैचू है. एंड व्हाट अबाउट द हाइट? हाइट क्या है? 182 मीटर. इसका हाइट क्या है बच्चा? 182 मीटर. इन विच कंट्री इज दिस? कौन सी कंट्री में है? इट इज एन इंडिया. कहाँ पर है ये? इंडिया में है. कहाँ पर है बेटा? इंडिया में है. अब आती है बात कि इंडिया में तो है, लेकिन कहाँ पर है, किस जगह पर है, किस जगह पर है? इट इज इन गुजरात. इट इज इन गुजरात.
देखिए बेटा ये हमारे इंडिया का लैंडमार्क्स है, तो इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए बहुत अच्छे से वो भी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी इज इन इंडिया, ये इंडिया में है और ये दुनिया का टॉलेस्ट स्टैचू है एंड हाइट है 182 मीटर्स और किस जगह पर है, गुजरात में। देखिए द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज अ ट्रिब्यूट टू इंडियन लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आप देखिए स्टैचू बना है तो ये कौन से लीडर की वो है, मूर्ति है, स्टैचू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की ट्रिब्यूट के लिए बनाया, उन्हें ट्रिब्यूट था ये स्टैचू। दिस स्टैचू इज अ पेट्रॉइक सिंबल, दिस स्टैचू इज अ पेट्रॉइक सिंबल, ये हमारी देशभक्ति का सिंबल है, राइट। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट स्टैचू इज लोकेटेड एट हिज बर्थ प्लेस इन गुजरात। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, अब आप पूछेंगे कि मैम ये गुजरात में क्यों है, इंडिया में तो हम इसे कहीं भी बना सकते थे, ये गुजरात में क्यों है। इट इज ये गुजरात में इसलिए है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये क्या था, बर्थ प्लेस था, यानी उनका ये जन्म स्थान था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में जन्म लिया, उनका ये जन्म स्थान था, इसीलिए उनके रिस्पेक्ट के लिए इसे हमने कहाँ पर लोकेटेड किया है, इन गुजरात में। क्लियर बेटा, आगे भी आपके लैंडमार्क्स हैं लेकिन उनके बारे में मैं आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा और बहुत जल्दी बताऊंगी, बट इसके बारे में आपको पता होना चाहिए बिकॉज इट इज इन इंडिया, ये भारत में है, हमारी कंट्री में है। ओके, स्टैचू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है, कहाँ पर है, इंडिया में, एंड विच सिटी, गुजरात, एंड विच सिटी, गुजरात। ये कौन से इंडियन लीडर को ट्रिब्यूट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड गुजरात में ही क्यों लोकेटेड किया है, बिकॉज इट इज अ बर्थ प्लेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। आई होप नाउ इट इज क्लियर। बेटा प्लीज वीडियो जरूर देखा करो, आप लोग पीडीएफ से अपना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन वीडियो नहीं देखते, जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे तो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। सो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट, प्लीज सी द वीडियो। नेक्स्ट देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसके नाम से ही देखिए लिबर्टी का मतलब क्या है, आजादी, क्या है, लिबर्टी यानी आजादी। और ये कहाँ पर है, मैंने आपको बताया सिर्फ, अभी हम क्या पढ़ेंगे कि ये कहाँ पर है, कौन से कंट्री में है, एंड इन विच सिटी एज वेल एज इन विच कंट्री, कौन से कंट्री में है, कौन से सिटी में है, कहाँ पर है, कंट्री का नेम USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एंड कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब आप बोलेंगे कि ये ज़्यादा नहीं बताऊंगी मैं इसके बारे में, द स्टैचू इज अ फिगर ऑफ लिबर्टीज अ रोम शोमन लिबर्टी गॉडेस, यानी एक गॉडेस थी उनकी, रोमन लिबर्टी गॉडेस थी, उन्हें ये डेडिकेटेड किया गया है ये स्टैचू, ठीक है। आफ्टर इट्स डेडिकेशन द स्टैचू बिकम एन आइकन ऑफ फ्रीडम, ओके, तो फिर ये किसका हुआ, आइकन बन गया फ्रीडम का, आजादी का, ठीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्पेल्ड आउट लिबर्टी LIBERTY, एंड व्हाट अबाउट द हाइट, हाइट कितने बच्चा, 93 मीटर, राइट। इसको आपने पहचाना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी USA में है एंड सिटी है न्यूयॉर्क, हाइट है 93 मीटर एंड ये कॉपर शीट से बना हुआ है, किस शीट से बना हुआ है, कॉपर से बना हुआ है, क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, यस आईफिल टावर, आईफिल टावर EIFFEL, आईफिल TOWER, आईफिल टावर, आईफिल टावर कहाँ पर है बेटा, इन विच कंट्री, इन फ्रांस, FRANCE, इन फ्रांस। उस सिटी का नेम क्या है, पेरिस, PARIS, पेरिस, ओके बेटा। एंड जी आईफिल टावर है, द आईफिल टावर वाज बिल्ट टू बी वन द मेन अट्रैक्शन एट द पेरिस वर्ल्ड फेयर। एक बार पेरिस में वर्ल्ड फेयर हुआ था तो ये वहां पर ये आईफिल टावर जो था अट्रैक्शन का बहुत केंद्र बना, तब से ये जो है आईफिल टावर है वो पेरिस का एक अट्रैक्टिव केंद्र है,
क्या है, अट्रैक्टिव प्लेस है जहाँ पर टूरिस्ट इसके जहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं, ठीक है। आईफिल टावर कहाँ पर है, एंड विच कंट्री, फ्रांस, एंड एंड विच सिटी, पेरिस। क्लियर, पहचान लीजिए बेटा, आपको रिकॉग्नाइज करना है पिक्चर को बेटा। नाउ लीनिंग टावर ऑफ पीसा, देखिए बेटा कहाँ पर है, इटली, ITALY, इटली में है कंट्री, कंट्री का नेम क्या है इटली, एंड सिटी का नेम क्या है पीसा, PISA। देखिए लीनिंग टावर ऑफ पीसा, लीनिंग का मतलब क्या होता है, लीनिंग का मीन्स है झुका। आप इस पिक्चर में भी देखेंगे ये स्ट्रेट नहीं है, ये क्या है थोड़ा सा झुका हुआ है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा। और कहाँ पर है, नाम से ही आपको पता चल जाएगा सिटी का नेम तो पीसा, पीसा कहाँ पर है इटली में है, तो आपको पता चलेगा। और इसे आप रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, जहाँ पर ये जो ये झुका हुआ है, तो झुकने को क्या कहते हैं लीनिंग, यानी झुका हुआ, लीनिंग टावर ऑफ पीसा। देखिए बेटा जो ये है इसे पूरा कंप्लीट करने में 200 इयर्स लगे, यानी 200 साल में पूरा हुआ बन के, 200 इयर्स में से कंप्लीट किया गया। और ये जो बना है वो रेत व चिकनी मिट्टी पर बना हुआ है, इसकी कितनी मंजिल है, 1 मंजिल है ये, ठीक है। और बाहर जो है वो क्या है, संगमरमर के पत्थर लगे हैं। एंड बेटा आपको हैरानी होगी, इसमें 296 सीढ़ियाँ हैं, इसके अंदर कितनी सीढ़ियाँ हैं, 296। आप देखिए ये टूरिस्ट का सेंटर क्यों है, क्यों इसे पसंद किया जाता है, क्योंकि लोग सरप्राइज होते हैं कि झुका हुआ होने के बावजूद भी कैसे खड़ा है, झुका हुआ है आप देख सकते हैं ना पिक्चर में, इसीलिए ये ज़्यादा अट्रैक्शन का केंद्र है कि लोग से देखने के लिए जाते हैं कि झुका हुआ है फिर भी किस तरह क्यों कैसे खड़ा हुआ है, राइट। तो लीनिंग टावर ऑफ पीसा आपको इसे याद करने की नीड नहीं पड़ेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो स्टैचू झुका हुआ है वो क्या है लीनिंग टावर, जो टावर झुका हुआ है वो क्या है लीनिंग टावर ऑफ पीसा। और कहाँ पर है, पीसा में ही, एंड पीसा कहाँ पर है इटली। क्लियर, नाउ पिग बेन, BIG पिग, BEN बेन, पिग बेन, पिग बेन कहाँ पर है बेटा, इंग्लैंड, इट इज द सेंटर ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का ये सेंटर है, सेंटर पॉइंट है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, द क्लॉक टावर। आप देखिए जो ये बिग बेन की आपको पिक्चर दिखाई दे रही है बेटा, इसमें देखिए क्लॉक है, क्या है क्लॉक है, यू सी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, द क्लॉक टावर, क्या बोलते हैं, द क्लॉक टावर। क्लियर बेटा, जो इसका जो ये क्या करती है, सम टाइम बताती है, और जो ये सम टाइम बताती है वो एक्चुअल टाइम से, वास्तविक जो हमारा टाइम है उससे 1 सेकंड आगे का टाइम बताती है, ठीक है। इसकी जो है घंटे वाली सुई है, देखिए जो इसकी आर्स वाली सुई है, घंटे वाली सुई है, उसका वेट कितना है, यू नो 13 टन, 13 टन, 13 टन इसका वेट है एक सुई का, जो इसकी घंटे वाली घड़ी है ना, तो ये अट्रैक्शन का केंद्र तो होगा ही। एंड 315 फीट ये लंबा है, 315 फीट ये टॉल है, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने का नीड नहीं है, एंड टू मूव टू द सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास तब आप इन सब के बारे में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको इन्हें रिकॉग्नाइज करना है। और आपको ये पता होना चाहिए ये कौन सी कंट्री में है एंड किस सिटी में है। नाउ अगेन यू कैन सी स्टैचू ऑफ यूनिटी, टॉलेस्ट, वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है, गुजरात में है, इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टैचू ऑफ लिबर्टी, USA इन न्यूयॉर्क, आईफिल टावर एंड फ्रांस एंड सिटी पेरिस, लीनिंग टावर ऑफ पीसा इटली में है एंड सिटी का नेम है पीसा, पिग बेन इट्स कॉल्ड द क्लॉक टावर एंड इट इज इन इंग्लैंड एंड सिटी इज लंदन, राइट बेटा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि मैम ने क्या बताया, और ये सब क्या है हमारे लैंडमार्क्स, क्या है लैंडमार्क्स बेटा। आपको दिस इज योर होमवर्क, लर्न चैप्टर 12 विद स्पेलिंग,
फोर टेस्ट ऑन वेनेसडे। चैप्टर 12 है एनिमल्स एंड देयर साउंड्स। आपको एनिमल्स की साउंड्स लर्न करनी है विद स्पेलिंग। क्लियर बेटा? आई विल टेक द टेस्ट एंड आफ्टर माई वीडियो आई विल सेंड द PDF। सो प्लीज कंप्लीट योर वर्क एंड आई विल सेंड द टेस्ट ऑल्सो। चैप्टर 11 का मैं बेटा टेस्ट भी सेंड करूंगी। एवरी स्टूडेंट नोट डाउन दिस टेस्ट इन योर GK कॉपी। क्लियर बेटा? सो थैंक यू माई लवली किड्स। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।